हेलो गाइस, मैं कमलेश सर आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। दिया क्या है, द एरिया ऑफ रंबस इज 216 cm². रेम्बस की एरिया है 216 cm² का दिया है। एक वन डायगोनल इज 18 cm और वन डायगोनल दिया है 18 cm। फाइंड द अदर, तो दूसरा डायगोनल है, यानी कि आपका अदर डायगोनल आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसका सलूशन है, सलूशन एरिया रेम्बस का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रंबस इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 × d2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई d1 × d1। d1 क्या है, फर्स्ट डायगोनल, मल्टीप्लाई d2 क्या है, सेकेंड डायगोनल। तो d1 देखिए, एक वन डायगोनल दिया है, यानी d1 दिया है आपको, d2 अदर डायगोनल मतलब क्या, d2 आपको फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू रखिए, देखिए एरिया ऑफ रंबस दिया है, क्या दिया है 216, यहाँ पे देंगे 216 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1 का दिया है 18 दिया है, देखिए 18 मल्टीप्लाई d2, अब कार्य कर दीजिए 2 × 2 = 18, तो ये हो गया 216 इक्वल टू हो गया 9 × 9 मल्टीप्लाई आपका d2। अब यहाँ पे 216 अभी 9 जब इस पर आएगा तो अब पहुंच जाएगा इक्वल टू d2। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए 9 ही है इसका, 9 216 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 × 2 = 18, 21 में से 18 को माइनस करेंगे 33 उधर 36 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, यानी 24 इक्वल टू d2 और d2 इक्वल टू 24 क्या है cm। देखिए यहाँ cm का दिया एरिया, ये cm जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया, दिखा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया है 8 में, द एरिया ऑफ रंबस इज 119 cm, एरिया ऑफ रंबस दिया है 119 cm² दिया है। अब यहां देखिए एंड पेरीमीटर 56 cm, अब इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है आपका 56 cm, अल्टीट्यूड फाइंड करना है, अल्टीट्यूड आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रंबस इज 190 cm² एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 cm, फाइंड इट्स अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए एरिया ऑफ रंबस इक्वल टू आपका दिया है और ये पेरीमीटर दिया है, अल्टीट्यूड पूछ रहा है, अल्टीट्यूड जब दिया रहेगा तो एरिया रंबस फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो बेस नहीं मालूम है तो हम बेस निकालेंगे, तो जो साइड होगा वही आपका बेस जाएगा, जो रंबस का साइड होगा वही आपका जो है रंबस का बेस जाएगा। क्या करेंगे, निकालिए साइड ऑफ, इस साइड ऑफ रंबस इक्वल टू जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4 मीटर अपॉन 4, जो फॉर्मूला स्क्वायर का होता है वही फॉर्मूला आपका रंबस जाएगा। पेमेंट कर दिया है 56 दिया है अपान 4 कर देंगे, 4 बन जा 4
फाइव फोर गया, वन था 60 जाएगा, फोर फोर जा 60, ये आ गया आपका 14 cm। तो जो साइड ऑफ रेम्बस है वही आपका बेस जाएगा। देखिए ये बेस निकल गया, जब बेस निकल गया तो एरिया ऑफ रेम्बस फॉर्मूले से एटीट्यूड निकाल लेंगे। अब आइए देखिए पे एरिया ऑफ रेम्बस इक्वल टू होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड है। अब देखिए एरिया ऑफ रेम्बस दिया है 119, अब बेस देखिए जो साइड है वही बेस जाएगा 14 जाएगा। अब इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड नहीं मालूम है, अल्टीट्यूड जो है यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ पे 119, अब 14 जब इस साइड आएगा तो अब 540 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये अल्टीट्यूड। अब इसे काटेंगे, जब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड कर ले इसमें 119 में, देखिए 14 8 12 9 2 7 कैंसिल, अब पॉइंट पॉइंट हो गया, 0 0 हो गया, 14 5 70 70 जाएगा, ये आ गया आपका 8.5 इक्वल टू अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड इक्वल टू 8.5, ये क्या है सीएम में है, तो ए भी आपका सेम हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।